किसी का सोच था, किसी का विजन था, किसी के अंदर में इतनी तकुबत थी, इतनी हिम्मत थी कि वो ऐसा कर सकता है, इसलिए हुआ है। अगर आप में हिम्मत है, आप में दम है, तो इस माँ बोली समुद्र की तरह है, गाड़ी लेना है निकाल ले जाओ, टू व्हीलर निकालनी है निकाल ले जाओ, पैसा लेना है ले जाओ, लेकिन आपका हाथ में अगर लकवा मार दिया तो कोई कुछ नहीं करने का, और निकालने का दम होनी चाहिए, और निकालने का दम होगा तभी तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बहुत लोग हम लोग को मजाक उड़ाते हैं ना, हमको बहुत मजा आता है। लोग एक एक बात बोलते हैं ना, हम लोग जाते हैं जब लोगों को इनवाइट करते हैं, प्रोजेक्ट सुनाते हैं तो क्या होता है ना बोलता है, ये सुन लो आप लोगों को ट्रेन नहीं ना पकड़ना है, नहीं ट्रेन पकड़ना तो बंद करो यार, मेरे को भी जल्दी कलकत्ता जाना है। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं, मेरे पास फोन आता है, सर मेरी इज्जत चली गई। हम सोचता है इज्जत चली गई, ये क्या इसके साथ हो गया रे भाई, आज का कोई जमाना का भरोसा नहीं है, लड़का लड़का शादी करता कुछ भी हो सकता है। मैं बोला ऐसा क्या हो गया रे भाई, अरे सर मेरा साला ने ना बोल दिया सर, दिल में बहुत तकलीफ है, जिस साले के लिए मैंने अपने भाई को छोड़ दिया, वो साला ने सर ना बोल दिया सर, इज्जत नहीं रही सर। हम बोले ओ ऐसी बात है, ऐसी इज्जत चली जाती है, ये वाला इज्जत है, हमें चली बात है भाई। अच्छा क्या होता है, नो सुनते हैं इसी में ना इज्जत चली जाती है, ये सुन लो, किसी का इज्जत चली जाती है, कोई बोलता है ना सर मेरा इज्जत का ट्यूब ना पंचर हो गया है सर, सर जब से स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया है ना, लोग ना देख करके सब भागते हैं मुझे, ऐसा बात है भैया। अरे कम से कम लोग तो देख करके भागते हैं, बोले तो लोग देख करके सटते थे, अच्छा है ना भागते हैं क्या। तो एक लाइफ एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, इस बात को और समझ में पाएगा, नो से कुछ नहीं होता है। 500 लोगों ने नो बोला, मेरा कुछ हुआ सर, टूटा ना पैर टूटा ना मेरा इज्जत का पंचर हो गया, कुछ हुआ। आज मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं, आज मैं जिंदगी में जितना भी सक्सेस किया है ना, इससे और भी ज्यादा सक्सेस किया रहता, क्यों जानते हैं क्यों नहीं किया, क्योंकि जो नो आप लोगों ने बोला ना बहुत कम सुना, और ज्यादा नो सुना रहता ना तो आज मैं एंडोवर का बात नहीं करता, मर्सिडीज बेंच का बात करता, इसीलिए नो सुनना पड़ेगा भैया, बिना नो का कुछ नहीं होता। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, सभी लोग ज्वाइन करेंगे तो मजा नहीं है, मैं सिंपल से बात बोलता हूं, अगर सभी लोग ज्वाइन करेंगे तो मजा भी नहीं है, सभी के पास में घर हो, सभी के पास में गाड़ी हो, सभी के पास में पैसा हो, सभी अच्छा अच्छा सूट बूट बेलबटन पहन के घूमे, मजा लगेगा, लगना चाहिए ना भाई, इतना का छोटा दिल का हो गया, लगना चाहिए। मुझे भाई नहीं लगता, अगर सब लोग ज्वाइन करेगा तो मजा नहीं है। मैं अपना एंडेवर गाड़ी जो 23 लाख में खरीदा हूं, किसके पीछे लेकर ब्रेक मारूंगा, जब मैं निकलता हूं रास्ते पर तो देखता हूं कि वो श्याम बहुत डायलॉग मारा था ज्वाइन करते हैं, हम बोलते हैं ड्राइवर को अरे जोर से पीछे जाकर ऐसा ब्रेक मारना ना, लगेगा नहीं है कि उसका ब्रेक का गारंटी है, आदमी को नहीं लगेगा। ठीक है, मैं जोर से इसको मार, वो ले जाएगा ड्राइवर हूं करते करते 5 साल अभी काम किया और उसको आइडिया हो गया है। ठीक है, तो लेकर जाएगा जोर से मारेगा टी, वो तो लगा देता गया, मैं उधर अपना बटन दबाता हूं तो शीशा अपने आप गिरने लगता है, बोलते हाय बॉस कैसा है, बहुत दिन बाद में, वो जो ठंडा हवा मेरा एसी का उसका चेहरा पर पड़ता है ना, और उसका चेहरा का जो रंग लाल पीला नीला होता है ना, बहुत मजा आता है भाई, समझ रहे हो ना, बहुत मजा आता है। सक्सेस सभी लोग करेंगे तो मजा नहीं है, लेकिन हम लोग को कोशिश करना है जो स्मार्ट वैल्यू में है उनको सभी को सक्सेस करना है, ये सुन लो। अब मान लीजिए नो बोलने से इज्जत पंचर हो जाती है, अब हाँ बोलने से देखते हैं क्या क्या होता है। अब सब लोग ज्वाइन कर ले रहा है तब क्या होगा, नाना को बोला वो भी ज्वाइन, मामा को बोला वो भी ज्वाइन, दोस्त को बोला वो भी ज्वाइन, गर्लफ्रेंड को बोला तो कुत्ते ज्वाइन कर गए, सभी ज्वाइन कर गए। ठीक है, कोई नया नहीं बोल रहा है, अब क्या होगा, अब उधर शंभू सहानी फोन लगाएगा, अरे प्यास जी कहां है, पागल कर दिया है पब्लिक, फॉर्म 500 रखा हुआ है और 500 लोग लाइन लगाए हैं, खाएंगे वाएंगे कि नहीं। व्यास बोलेगा कि तू लगा नौका है क्या, अभी तो मैं भी अभी सातवार में हूं, बनारस में भी 2000 लेकर के घूम रहा हूं, और क्या करूंगा मैं, अगर ऑफिस का लोग है वो परेशान है, व्यास फोन मारा तुम लोग खाली गोरखपुर में बैठे रहते हो, लखनऊ में बैठे रहते हो, डायलॉग मारते फॉर्म कौन ले जाएगा, आओ जल्दी, अब हाँ सब 3 गाड़ी भेज दिए जा रहा है। अब लोग कोई तो नए नहीं बोल रहा है, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या
तो पैसा पेट चलाने के लिए कितना चाहिए? 10,000, 5,000, 7,000, 20,000 तो काफी है, ये सुन लो। ज्यादा पैसा आएगा तो क्या होगा? लाइफ स्टाइल बढ़ेंगे, जूते पहनेंगे 8,000 का जूते, 35,000 का घड़ी, ये सब कैसे पहनेंगे? जब पैसा आएगा तो पहनेंगे पेन 25,000 का, तो ये सब आता है, लाइफ स्टाइल बढ़ता है। तो क्या होता है, अब सब कोई भाई ज्वाइन कर रहा है, सब आदमी स्मार्ट बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने भी ज्वाइन किया, इनकम किया, तो मैं अपना ड्रीम कार खरीदा, मर्सिडीज बेंज। भाई 70 लाख की गाड़ी है तो ड्राइवर भी तो अच्छा होना चाहिए, सब ना। अगल बगल से पता किया तो लोगों ने बोला घनश्याम जी बहुत बढ़िया ड्राइवर है, बहुत आराम से चलाते हैं, उन्हीं को रखिए ना। मैं गया घनशु भाई के घर में, गया बाहर से बोला अरे घनशु भैया, अंदर से आवाज आया, दो तीन बार बोला घनशु भैया, घनशु भैया, अंदर से आता क्या बोलता है भैया, हम लोग राजू सिंह बोल रहे हैं, थोड़ा बाहर आइए। उधर से आया लुंगी लुंगी पहने खुजलाते हुए, बोला हाँ बोलिए क्या बात है। हम लोग देखिए भैया मैं तो गाड़ी लिया हूँ मसरी बेंच, उसके लिए मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है, सुना है कि आप बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हो, आपको मैं 10,000 रुपया महीना दूंगा, शनिवार और रविवार छुट्टी। वो क्या बोला है, अरे भैया अभी तो हम खा करके हम तो जाते हैं मर्सिडीज बेंच लावे ना, आपको हमको भी ड्राइवर का जरूरत है, आप ही चलाओ ना, मैं ही आपको 15,000 दूंगा। क्या ये सुनो, तो लोग ना बोलते हैं टेंशन मिलने का, खुशी मनाने का, अरे बाप रे बाप कम से कम ड्राइवर तो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, नोट लेकर का टेंशन नहीं लेने का, खुशी मनाने का, खुशी मनाना। भाई बाल बढ़ गए, दाढ़ी तो घर में काट लेता हूं, बाल बढ़ गए, गया नाई के पास में, गया तो देखा भाई नाई का तो शटर डाउन है, उस पर देखा एशियन पेसिफिक लिखा हुआ है, एमबीए क्या क्या कंप्यूटर कोर्स। मैंने पूछा भैया ए नाई कहाँ गया है? अरे नाई सर क्या बोले सर, बहुत अच्छा नाई था, एक राजू सिंह का कोई, राजू सिंह करके कोई बंदा आया था, उसके कान में क्या गुज 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 किया, वो सर शटर डाउन कर दिया है, सुने बड़ा कमाता है, कुछ करता है बड़ा कमाता है। हम तो समझ गए भाई क्या बात है, शटर बंद, अब तो आगे तो काट लूंगा, पीछे कैसे काटूंगा, पीछे पढ़ने लगा यहां तक, वाह मजा आया, हे यहां तो बड़ा अच्छा, थोड़ा यहां तक आया हिप्पी के स्टाइल में, जब यहां पर आया तो भाई लड़की की तरह लगने लगा, ठीक है करूं तो क्या करूं भाई, बाल रखा मोड़ मारकर पीछे से बांधा, बाल तो भाई नहीं धोगे तो गंध मारेगा, मारेगा कि नहीं। संडे के दिन एक दिन शैम्पू टेम्पू किया, कर करके क्या मन में आया, जींस उन पहन करके बाहर निकला, जैसे चल रहा हूं पीछे पीछे देख रहा हूं सिटी माला पिछले सिटी मार रहा है, अब मेरा तो आंख इधर उधर हो रहा है भाई, सिटी मार रहा है, हम बोल रहे हैं भाई फिर वो मार रहा है अपने स्टाइल कर रहा, जब मैं इस तरह घूमा ना उसका आंख का आंख फटा ही रह गया, देखा सामने वाला का बड़ा बड़ा बाल, बड़ी बड़ी मुंह से बड़ी बड़ी जा रहे, बेचारा धोखा में पड़ गया ना, यही सब घटना घटेगा। तो ना बोलने का कोई टेंशन नहीं लेने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा अच्छा होगा, कुछ नहीं होने का। जिस दिन ना सुन करके आप हैप्पी हैप्पी रहोगे ना, खुश रहोगे, ओरे ब्यास जी 10 आदमी को सुनाया सर, 10ों ने ना बोल दिया सर, अब दिल बाग बाग है, चलते पार्टी करते हैं, बिजनेस हो गया, बिजनेस हो गया, ये सुन लो। तो ना सुन करके क्या करेंगे, डांस करेंगे, तो म्यूजिक लगा अगले बार डांस करते हैं, ठीक है, we'll be right back.
नाचेंगे गाएंगे तब सक्सेस होगा, ये सुन लो। तो पाएंगे, मैं जहां भी ट्रेनिंग देता हूं मुझे एक टारगेट रहता है, एक बंजा को सक्सेस कराना है। कितने लोग सक्सेस करना चाहते हैं? मैं कुछ लोगों को यहां पर बुलाना चाहूंगा, आप आ जाओ, दो आदमी चले आइए, चले आइए, सक्सेस चाहिए ना, चलिए आइए, चलो भाई, बस बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका डेढ़ महीने हुआ, कितना टीम हुआ मेरे भाई? तीन लोगों का हुआ है। तीन लोगों का सक्सेस चाहिए? यस सर। सक्सेस करने में बहुत सारा प्रॉब्लम है जी, गाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा, तेरा पिछवाड़ा बर्दाश्त करेगा जी? हाँ जी सर, ठंडा ठंडा हवा भी आता है गाड़ी में, चलेगा। विदेश भी जाना पड़ेगा? सब चलेगा। बाबूजी से पूछ ले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जात भ्रष्ट हो जाएगा तुम्हारा? नहीं सर। है? नहीं। पर करोगे सक्सेस? हाँ। मैं जो बोलूंगा उसे करने में तुमको सक्सेस मिलेगा, करोगे? जी। मेरे पर विश्वास है जी सर, अगर मैं जो बोलूंगा वो करोगे तो जरूर सक्सेस होगा। दीपक इधर आप घूम जाइए, इतने लोग के सामने बैठे हुए 500 लोग, ये बंदा को सक्सेस चाहिए, इसको मेरे पर पूरा विश्वास है, मैं जो बोलूंगा ये करेगा। मैं आपको मुंह से सांस नहीं लेना है, ठीक है? एकदम नहीं लेना, सांस अगर लिए जिंदगी में सक्सेस नहीं होने वाला है। रिक्स है भाई 50-50, अभी भी सोच लो। ठीक है। दीपक सर, दीपक जी थोड़ा इनका आराम से ना, हाथ पोंछ करके थोड़ा इनका नाक पकड़िए, तो मुंह से सांस नहीं लेना है, और दाबो, सांस नहीं लेना है, ऐसा चोरी करोगे तो खुद देखना है, नहीं चोरी करना है भैया, एकदम सांस नहीं लेना है, पेशेंस रखो रखो रखो, होगा होगा होगा, रखे रहो दीपक जी, रखे रहिए। ओह आंख लाल लाल हो रहा है, क्यों भाई? नहीं नहीं, अरे छोड़ो 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 दीपक, छोड़ो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो भैया। जब ये दीपक जी नाक पकड़े थे आपका जी सर, तो सबसे क्या चीज की जरूरत लग रही थी आपको? सांस की। सांस की, जब इनका नाक दबा गया था, इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी सांस को, ऑक्सीजन को। जिस दिन आपको सक्सेस की जरूरत हो जाएगी ना, सक्सेस ऑटोमेटिक आपके कदम में चले आएंगे। थैंक यू थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू थैंक यू। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय गीत के साथ समापन करते हैं, तो जितने भी अचीवर्स हैं मैं सबको अनुरोध करूंगा कि आप लोग आए और हमारे राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें। आप सभी लोग खड़े हो जाएं, हम सभी लोग एक साथ अपनी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि ये किसी के सम्मान की बात नहीं है, हम लोग जिस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं उस राष्ट्र के सम्मान की बात है, सब कुछ अलग। वी आर प्राउड टू बी इंडियन, हम भारतीय होने का गर्व है, यस नो? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चकल बंगा, बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल तिरंगा, जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू, गुड डे। आप सभी लोग वन बाय वन लाइन करके निकल जाइए, यह आपने डिसिप्लिन का चीज है, अपने शांति से निकल जाए। लाइट जरा ऑन कर दीजिए आप लोग।